हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू हेलो स्वास्थ्य इंस्टाग्राम पेज लाइव। दिस इज निधि सिन्हा। आप सभी का हेलो स्वास्थ्य के इंस्टाग्राम पेज पर स्वागत है। और आज है मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और आज का हमारा टॉपिक भी है, आखिर इस स्ट्रेस भरी लाइफ को कैसे स्ट्रेस फ्री बनाया जा सकता है। वेल, हमारे साथ इस वक्त जो लोग कनेक्ट हुए हैं, थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। मैं आपको बता दूं कि आज के हमारे एक्सपर्ट भी अब से कुछ ही मिनटों में कनेक्ट हो जाएंगे और उनसे हम समझेंगे कि आखिर मानसिक परेशानी, मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन हो जाए या फिर एंग्जाइटी हो जाए, इन सब चीज़ों में क्या अंतर है। और अगर किसी को एंग्जाइटी की समस्या है, कोई डिप्रेशन से पीड़ित है, तो ऐसे लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आज की बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ आज कनेक्ट होने वाले हैं डॉक्टर समीर मल्होत्रा, डायरेक्टर एंड डिपार्टमेंट हेड ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंस, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साकेत, दिल्ली से। डॉक्टर समीर मल्होत्रा से हम समझेंगे कि आखिर ये मानसिक परेशानी क्यों शुरू हो जाती है। अगर देखा जाए तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया जो है, जितनी भी कंट्रीज है, सबसे पहले नंबर पर है। यहाँ के लोग मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान हैं। वेल, इसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर समीर मल्होत्रा से बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए और इस सिचुएशन को किस तरह से संभालना चाहिए ताकि जो टेंशन होता है या एंग्जाइटी की परेशानी होती है, चिंता हो जाती है और ये धीरे धीरे एक नई समस्या बनकर उभरने लगती है। तो वेल, मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ अब से कुछ ही मिनटों में कनेक्ट होने वाले हैं डॉक्टर समीर मल्होत्रा, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत से, दिल्ली से, और उनसे हम समझेंगे। वेल, हमारे साथ जो लोग कनेक्ट हुए हैं, थैंक यू सो मच। आपको बता दूं कि अगर आप भी मेंटल इलनेस से जुड़ी किसी तरह के सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आप अपने सवाल को हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके सवाल को लेंगे और आज के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर समीर मल्होत्रा से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस परिस्थिति से किस तरह से उभरा जाए। सो आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर समीर मल्होत्रा, उनसे हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो परेशानी इस वक्त चल रही है मेंटल इलनेस की, उससे किस तरह से उभरा जा सकता है ये समझेंगे। हमारे आज के एक्सपर्ट बस कनेक्ट होने वाले हैं डॉक्टर समीर मल्होत्रा, उनसे समझेंगे कि आखिर किस तरह से अपने लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाया जा सकता है। सर नमस्कार, थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। नमस्कार, और सभी व्यूअर्स को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, हम लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और आपसे सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये कहा गया है कि कोविड के पहले और कोविड के बाद लगातार जो डिप्रेशन के मामले हैं, मानसिक रूप से जो लोग परेशान हैं, उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। तो आखिर कौन कौन से ऐसे रीजन है जिस वजह से ये परेशानी लोगों के बीच बढ़ती जा रही है? देखिए, जो मुख्य कारण सामने आ रहे हैं, एक तो जीवन शैली बदल गई है कुछ। जैसे सुबह लोग कामकाजी थे, बच्चे स्कूल जाते थे, घर का रूटीन दिन के समय शुरू होता था और शाम रात तक खत्म हो जाता था। अभी कुछ स्ट्रक्चर बदल गया है, तो उसमें क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं बच्चों की, कुछ करियर को लेके बच्चे अभी कंफ्यूजन में हैं, कुछ एग्जामिनेशन स्थगित किए गए हैं, तो कई तरह से कई सवाल जहन में हैं अनसर्टेन, जिनकी अभी कोई सर्टेन आंसर्स हमारे पास नहीं है कि कॉलेज कब खुलेंगे, स्कूल्स कब खुलेंगे, और टीचिंग कब रेगुलर तरीके से रिज्यूम करेगी, कौन सी करियर ऑप्शंस आगे खुलेंगे, बोर्ड एग्जाम्स कैसे होंगे, करिकुलम क्या कम होगा, अकेडमिक संशोधन भी किए जा रहे हैं कई प्रकार के इसके अंदर, तो कई तरह की अनसर्टिनिटीज हैं। ये एक बहुत मुश्किल दौर में से दुनिया गुजर रही है, पर एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हमें हेल्प करेगी इसमें। दूसरा, मैं देख रहा हूँ जो लोग कामकाजी हैं,
तो कई जगह तो ले ऑफ कर दिए गए हैं लोग, है ना, तो अपना काम छोड़ बैठे हैं। कई लोग अपने होम टाउन में माइग्रेट कर गए, जो माइग्रेट करके किसी और सिटी में काम करने आ रहे थे वो वापस अपने गांव अपने शहर चले गए हैं। तो उसके चलते भी उनका व्यवसाय जो है उसको लेके कई संबंधित परेशानियां उनके जुड़ी हैं दिमाग में कि हम कर पाएंगे, दोबारा से हमें जॉब मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। और साथ साथ आप देखिए कि फाइनेंसिस को लेके भी टेंशन साथ में जुड़ गई हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ फाइनेंशियल प्रेशर भी लोगों के जहन में है, क्योंकि खर्चे तो कम नहीं हो पा रहे हैं, खर्चे तो वही हैं, बरकरार हैं, आमदन के जरिए थोड़े कम हो गए हैं इस दौरान में, और नए जॉब्स अभी इतने आसानी से मिल नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन ऑप्शंस भी लोगों के पास जो हैं उसमें भी पूरी तनख्वाह कई बार नहीं मिल पाती है, कई बार आप टेम्प्ररी वर्क कर रहे हैं, है ना। तो कई तरह के आपके माइंड में कंफ्यूजन जॉब को लेके, एकेडमिक को लेके और पैसे को लेके, फाइनेंसिस को लेके, एक तो ये मुख्यतः है। दूसरा स्वास्थ्य को लेके कि कल को मुझे अगर कोविड हो गया या मेरे जानकार किसी को या परिवार के निकटतम किसी को हो गया कोविड, तो फिर क्या हमें सुविधाएं उपलब्ध होंगी, क्या वहां पे हमारे को ठीक से ट्रीटमेंट मिल पाएगा, क्या जो सही दवाइयां हैं उपचार की हमें टाइमली मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी, क्या हम बच पाएंगे, क्या हम अपनी जान को अपने परिवार की जान को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। और इसके साथ जुड़ा इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, ये लोग हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखते हैं, तो उसके साथ भी इनके जहन में टेंशन है कि क्या वो कंपनीज हमें पूर्ण रूप से रीइंबर्स कर पाएंगी कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि कुछ हजार दे के हमें छोड़ देंगे बाकी हमें अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो इस तरह की भी टेंशन्स लोगों के जहन में है स्वास्थ्य को लेके। आगे अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के सदस्य गुजरे हैं कोविड से, कुछ खुद गुजरे हैं कोविड से, उसके बाद कुछ थकान रहती है, कुछ देर के लिए उदासी, सुस्ती, इस तरह के लक्षण हम कहते हैं पोस्ट वायरल फटीग सिंड्रोम, उस तरह के लक्षण भी आ जाते हैं जहाँ शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्दें रहती हैं, कमजोरी का एहसास होता है, पूर्ण रूप से आप एकाग्रचित मन से काम नहीं कर पाते हैं तो आपको रेस्ट की आवश्यकता होती है। और ऐसे में कई बार एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे आप कर रहे हैं, जहाँ हम कार्य कर रहे हैं, वो लोग नहीं समझ पाते कि आपको रेस्ट की जरूरत है, उन्हें लगता है आपका कोविड तो अब नेगेटिव आ गया, पहले पॉजिटिव था, तो अब तो आपकी छुट्टी खत्म, अब आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए। तो उनको थोड़ा समय लगता है वापस रिकूप करने के लिए, है ना, बॉडी को ठीक तरीके से डिटॉक्स करने के लिए और वापस कार्यशैली को दोबारा अपनाने के लिए। फिर कुछ ऐसे लोग हैं दुर्भाग्यवश जिनके निकटतम लोगों की मृत्यु भी हुई इस पीरियड में कोविड के चलते, उनको भागदौड़ करनी पड़ी, उनको अस्पतालों में भर्ती होने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी, और उसके बाद फिर जो टेंशन्स और फिर परिवार के सदस्यों को खो देना, और फिर कई बार आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे। आप मान लीजिए आपके परिवार का सदस्य यहाँ बीमार पड़ा है, अस्पताल में है, पर क्योंकि आप दूसरे मुल्क में हैं आप आ नहीं पा रहे। कुछ बच्चे जो हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, या कुछ कुछ के ऐसे वृद्ध लोग हैं जिनके बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो आ नहीं पा रहे क्योंकि फ्लाइट्स वगैरह कहीं रुकी हुई हैं, उस तरह का रूटीन शेड्यूल नहीं है, आना नहीं हो पा रहा है, वो यहाँ पे परेशान है। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो भर्ती हैं अस्पतालों में, उपचार करा रहे हैं, पर क्योंकि उस समय जब आप कोविड पॉजिटिव हैं आपका परिवार का सदस्य तो आपके साथ नहीं रहेगा कमरे में, और डॉक्टर्स भी पूरा पीपी इक्विपमेंट पहनते हैं जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, तो उसमें रोबोट जैसे दिखते हैं, शक्लें दिखती नहीं है डॉक्टर्स की, है ना। डॉक्टर्स को भी ड्यूटी के बाद फिर क्वारंटाइन करना होता है खुद को, तो वो सेम चेहरा नहीं दिखता है, चेहरा दिखता ही नहीं, वो भी कवर्ड होता है, वो भी उन्होंने ऊपर नाम या फोटो लगा रखी होती है कपड़ों के ऊपर ताकि आपको पता चले कौन आ रहा है इलाज के लिए। तो एक व्याकुलता है, एक इनसिक्योरिटी है, एक अनसर्टेनिटी है, एक डर है अजब किस्म का, और कई इस प्रकार के विचार है कि कहीं हम इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो वैसे ही थोड़े एंग्जाइटी प्रोन होते हैं, तो वो लोग ज्यादा घबरा जाते हैं, वो जरूरत से ज्यादा हाथ धोना शुरू कर देते हैं, दिन में तीन तीन चार चार घंटे हाथ ही धो रहे हैं या नहाते जा रहे हैं बार बार, है ना, तो वो बहुत ज्यादा करने लगते हैं इन चीजों को, वो भी स्वास्थ्य के लिए। बार बार सारा दिन आप बाथरूम में बैठे रहेंगे ठीक नहीं है, आपकी बाकी दिनचर्या उसमें खराब होती है। तो ऐसे में जो देखा जा रहा है एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, यानी घबराहट, बेचैनी की, नींद की समस्याएं बढ़ रही हैं क्योंकि समय पे सोना नहीं हो रहा, समय पे उठना नहीं हो रहा, और अक्सर लोग फेस डिले इन स्लीप देख रहे हैं हम लोग, मतलब वो देर से सो रहे हैं और देर से उठ रहे हैं, तो दिन का उठने का समय 12, 1, 2, 3 बजे तक जा रहा है, जो गलत है। पर रात को सोने का समय तो आप सोचिए, रात तो पूरी निकल ही जा रही है, दिन की भोर के समय आप सोने लगे, तो ये जो पूरा सिलसिला है ये आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि इससे आपकी हार्मोनल साइकिल डिस्टर्ब होती है, आपके ब्रेन के जो न्यूरोकेमिकल है, रसायन है, वो डिस्टर्ब होते हैं, और उसके चलते मन का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ने लगता है, वो हड़बड़ाने लगता है। और इसके साथ जो हम देखते हैं कि साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स, यानी पेट की समस्याएं, कई बार 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 मोशंस आ रहे हैं, है ना, कई बार उल्टी जैसी फीलिंग आ रही है, कई बार खांसी है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही जबकि कोविड नेगेटिव है, क्योंकि एंग्जाइटी के चलते वो खांस रहे हैं आप, है ना। कई बार बॉडी के अंदर अनएक्सप्लेन बॉडी एक्स एंड पेन्स, यानी दर्दें हैं अलग अलग जगह पर, कभी पीठ में, कभी हाथ में, कभी पैर में, उसका कारण खोज रहे हैं, कारण नहीं निकल पा रहा है। तो वो बेसिकली आपके अंदर का तनाव है, वो एंग्जाइटी है, वो स्ट्रेस है, जो अलग अलग प्रकार से आपको महसूस हो रहा है, कभी सिर दर्द हो रहा है,
है ना, इस तरह के लक्षण है। कई बार लोग कहते हैं हल्का हल्का बुखार महसूस होता है, पर थर्मोमीटर लगाते हैं तो बुखार नहीं ज्यादा दिखता, वो क्योंकि ब्रेन में हाइपोथैलेमस है जो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके चलते आपका बॉडी टेम्परेचर जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो भी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मन को रेगुलेट करता है, इमोशंस को रेगुलेट करता है, और आपकी दिमाग की जो क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक हम कहते हैं, एक घड़ी है जो बाहर की घड़ी के अनुसार चलती है, यानी रात हो गई तो उसको सोना है, दिन हो गया तो उसको जगना है, पर क्योंकि हम देर रात जग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, तो उसमें हमारे ब्रेन की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब होने लगी है, जिसके चलते हम उतना एकाग्रचित मन नहीं रख पाते, और क्योंकि हमारा लेट नाइट सोना है, लेट नाइट उठना है, मोबाइल पे कुछ ज्यादा हम लोग हो गए हैं, इंटरनेट के साथ ज्यादा जुड़ गए हैं, तो ह्यूमन जो इंटरेक्शन हैं जो पॉजिटिव तरीके से होने चाहिए वो थोड़े कम हो रहे हैं। दूसरी चीज जो सामने आ रही है हमारे, वो एक्सप्रेस्ड इमोशंस बढ़ गए हैं परिवार के अंदर, जैसे लड़ाई झगड़े, तू तू मैं, है ना, मैं की लड़ाई, और कुछ ऐसी बात, छोटी छोटी बातों का विवाद बन जाना, क्योंकि अब ज्यादा समय घर के अंदर है, एक दूसरे को ज्यादा देखना भी हो रहा है, और यदि आपके पास अपना स्ट्रक्चर रूटीन नहीं है जो आपको दिन में करना है, या कुछ ऐसी दिनचर्या आपने नहीं बनाई है, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे घर का काम काज है, चाहे अपना बाहर का काम है, जब आप उसको निगेट कर रहे हैं, पढ़ाई है तो पढ़ाई को नहीं कर रहे, तो आपके पास खाली समय और एनर्जी है, खाली समय एनर्जी है तो आप दूसरे के काम में दखलंदाजी करने लगते हैं, आप टोका टाकी करने लगते हैं, आप ऊंचा बोलने लगते हैं, तो एक्सप्रेशंस कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो हॉस्टाइल एक्सप्रेशंस हैं, क्रिटिकल कमेंट्स हैं, इस तरह की चीजों में भी मैं देख रहा हूँ परिवारों के अंदर दरार आने लगी है, तो एकजुट होके टेबल पे बैठ के प्यार से खाना नहीं खा पा रहे लोग, कहा सुनी ज्यादा हो रही है, उसके चलते भी डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, और कई बार इतना सिवियर हो जाता है कि आप सुसाइडल थॉट प्रोसेस की तरफ भी बढ़ जाते हैं, तो डिप्रेशन से संबंधित। फिर कुछ लोगों में मैं देख रहा हूँ कि टेंशन तनाव के कारण वो नशा ज्यादा करने लग पड़े हैं, तो जैसे तंबाकू है तो तंबाकू ज्यादा खाने लग पड़े हैं, स्मोकिंग है ज्यादा करने लग पड़े, उससे तो आपकी इम्यूनिटी और डाउन होगी, शराब ज्यादा बढ़ा दी कुछ लोगों ने कंजम्पशन जो है, उसके चलते फिर घर में और कले कलेश हो रहा है, और जब आप एल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, कोई भी नशे नशीला पदार्थ ज्यादा ले रहे हैं, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, जब इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है और दिमाग के अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस है, तो उससे भी इम्यूनिटी पे प्रभाव पड़ता है, उससे आप और अधिक प्रोन होते हैं अलग अलग प्रकार की इन्फेक्शंस के, जिनमें से कोविड भी एक है, तो इस तरह की चीजें हमें ज्यादा सामने दिख रही हैं। हमने कुछ दो सर्वे भी किए इस दौरान, नेशनल सर्वे थे हमारे वेब बेस्ड, और मैक्स डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियर साइंसेज, मैक्स हॉस्पिटल के जो हमारे सहयोगी हैं, हम सब ने मिलकर उसको स्टडी को किया, और उस स्टडी में हमने पाया, एक में तो 1000 से ऊपर लोग थे जो एडल्ट थी पॉपुलेशन, उसमें हमने देखा चौंका देने वाले रिजल्ट्स हैं कि 50% से ऊपर, अब ये वो लोग हैं जिनको कोई साइकेट्रिक ट्रीटमेंट वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, ये वो लोग हैं जिनको पहले कभी डिप्रेशन एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं थे, इस दौरान 100 में से 50 लोगों में एंग्जाइटी, सिग्निफिकेंट एंग्जाइटी सामने आ रही है, जिसका मतलब उनको उपचार की आवश्यकता है। फिर 100 में से 25 लोगों को, यानी 1/4 लोग जो हैं वो डिप्रेशन, क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ डिप्रेशन, छोटा मोटा हल्का फुल्का नहीं, जिनको क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिप्रेशन है और उपचार की आवश्यकता है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिप्रेशन के क्या लक्षण है, कि जब आपको नींद ठीक से नहीं आ रही, आपको भूख ठीक से नहीं लग रही है, आप नेगेटिव विचारों से ग्रस्त हैं, आपका मन लगातार उदासी की तरफ बढ़ रहा है, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आपको छोटा छोटा काम भारी लग रहा है, आप इजिली फटीग फील कर रहे हैं, है ना, उसके साथ साथ आपके अंदर नकारात्मक सोच जड़ पकड़ रही है, आपका किसी कार्य में मन नहीं लगता, और छोटा छोटा काम भी भारी, जल्दी थकान आ जाना, और नकारात्मक सोच में मैं बेकार हो गया, मेरा कोई फायदा नहीं होगा, आगे चल के फ्यूचर भी मेरा ब्लीक है, मुझे फ्यूचर में भी कुछ अच्छा नहीं दिखता है, तो आइडियाज ऑफ होपलेसनेस आने लगते हैं, और इसके चलते कई बार सुसाइडल थॉट प्रोसेसेस भी प्रबल होते हैं। फिर हमने देखा कि 10% पॉपुलेशन में, 10% आउट ऑफ द पीपल हु वर डिप्रेस्ड, यानी लगभग जितने हमने 1000 से ऊपर लोग थे उस स्टडी के अंदर, उसमें हमने देखा 3% काफी होता है, 100 में से 3000 देखें तो उस हिसाब से आप लगा लीजिए 30 से ऊपर लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें सुसाइडल थॉट एक्टिवली आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, यानी उनको तो सही में उसी समय इलाज की आवश्यकता है। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह की परेशानी बढ़ती हुई हमें दिख रही है, बच्चों में खासतौर पर मोबाइल फोन बढ़ता हुआ दिखा, हमने जो बच्चों की स्टडी की उसमें 200 से अधिक बच्चे थे और 14 से 19 साल के, उसके अंदर स्लीप डिस्टर्बेंस 70% से ऊपर बच्चों ने बताई है, मोबाइल यूज अधिक बताया बच्चों ने, गेमिंग में 40% बच्चे गेमिंग में इंडल्ज कर रहे हैं, जिससे आंखों में हर्जा, टेंशन, सिरदर्दी, रात को ठीक से नींद ना आना, गुस्सेल हो जाना, एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहना, तो ये सब चीजें उभर उभर के सामने आ रही हैं, और 50% से ऊपर बच्चे जो थे वो अपने करियर को लेके, अपने एग्जामिनेशन को लेके, अपने पढ़ाई में चाहते हैं कि कुछ संशोधन हो और कुछ उनको अपॉर्चुनिटीज अधिक मिले इस दौरान। सर आपसे एक चीज यहाँ पर समझना चाहूंगी कि जैसे भारत जैसे देश में अभी भी अगर लोग डिप्रेशन का नाम सुने या किसी मेंटल बीमारी की बात करें तो
खुलकर बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। ये एक सबसे मेन रीजन है कि लोग जागरूक नहीं है इस बारे में कि इसे सामने बैठकर बातचीत किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को कोई बीमारी है सर, अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है या किसी को हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो एक चेकअप से लोगों को पता चल जाता है कि उन्हें ये बीमारी है। लेकिन डिप्रेशन या मेंटल एंजाइटी जैसी कोई अगर चीज है, तो शुरुआती लक्षण लोगों को समझ में नहीं आते हैं और स्टेज काफी ऊपर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में पहले तो हमें बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट फॉर यू फॉर दिस। देखिए होता क्या है कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन तो ब्रेन है, सबसे ऊपर वही बनाया भगवान ने, है ना, उसी उसी ऑर्डर से आप देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये संचालन कर रहा है पूरे शरीर का, नियंत्रित कर रहा है हर चीज को, हार्मोन्स रिलीज करता है, हम सुबह उठते हैं हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं बॉडी के अंदर उस प्रकार से, है ना। रात को जब सोना है तो अलग प्रकार का एक केमिकल रिलीज हो रहा है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं, ताकि हम रात को सो सकें, ठीक से नींद ले सकें। तो पूरा संचालन इस प्रकार से, कोऑर्डिनेशन चलता है ब्रेन के माध्यम से। मेरा मन किया हाथ उठाने का, मेरा दिमाग मुझे कमांड देता है हाथ को ऊपर उठाने की, मेरी बॉडी की जो मोटर सिस्टम है उसको फॉलो करता है, कमांड को फॉलो करता है। तो एक तरह से ये हमारा सब राज यहाँ पे है। अब हम छोटी छोटी चीजें, हमारे पैर में दर्द हो गई, हम फट जाते हैं डॉक्टर के पास, हमारी पीठ में दर्द है हम जाते हैं, हमें हल्का सा खांसी हो गया हम भागते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे दिमाग को भी पौष्टिकता चाहिए, उसको भी आराम चाहिए, उसको भी केयर चाहिए। और वो केयर करने से हम चूकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दिमाग की तो हमें परेशानी हो ही नहीं सकती। और अगर कोई कहता है मुझे दिमाग की परेशानी है, तो लोग उसका या तो मजाक बनाते हैं, पुरानी फिल्मों में भी काफी मजाक बनाया गया है ना, कई चुटकुले हैं, पागल शब्द ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, तुम क्या पागल हो गए, तो इस तरह की चीजें लोग। और डिप्रेशन जो है, आप ये देखिए WHO खुद ही आंकड़े देता है, 2001 के आंकड़े थे कि 4 में से 1 व्यक्ति को साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं। और अब तो 2001 से हम आगे 2020 के अंदर पैंडेमिक के चलते तो आप देखिए कितनी टेंशन और स्ट्रेस है। और आज की जो जीवन शैली इंसान की बन गई है पिछले कुछ 1-2 दशक में, मैं देख रहा हूँ तेज रफ्तार जिंदगी, कंज्यूमरिज्म है, कंपटीशन है, लदे हुए हैं काम से, इंजॉय नहीं कर रहे, पैशनेटली कुछ नहीं, बस काम करना है। कोई किसी की मृत्यु भी हो जाती है दूर दराज की, तो लगता है आफत, आज बात करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप अंदर से उस दुख दर्द को महसूस करें। तो महसूस करते हैं जो इंसानी महसूस जो हम करते हैं चीजों को, जो इमोशंस को महसूस करते हैं, वो कम होती जा रही है। और लाइफ की सुपरफिशियल लेवल पे परत पे हम चल रहे हैं जीवन में, जिसमें मटेरियलिज्म है, उपभोक्तावाद है, इन चीजों में हम हैं। कोविड आज ये भी सिखा रहा है कि हमारी निजी जरूरतें कितनी कम हैं और हमारी चाहतें तो असीमित हैं, हमारी नीड कितनी लिमिटेड है और हमारी ग्रीड की तो कोई अंत ही नहीं है। नीड और ग्रीड की डिस्पैरिटी जो है वो टेंशन और स्ट्रेस को जन्म दे रही है। बात करते हैं डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन के अगर हम आंकड़े देखें, और मैंने तो ये कहा कि चौंका देने वाले रिजल्ट्स थे हमारे सर्वेस के, 1000 से ऊपर लोग हमने सर्वे किए, उसमें 50% से ऊपर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और 25% आप समझ लीजिए उसमें एक चौथाई में डिप्रेशन आ रहा था, क्लिनिकल सिंड्रोम। अब ये हल्का फुल्का डिप्रेशन नहीं है, वो डिप्रेशन है जिसमें जैसे मैंने लक्षण बताया, लगातार उदास रहना, यदि 2 हफ्ते से ऊपर आपको ये लक्षण रहे, लगातार उदासी, बात बात पे रोना आ जाना, नींद ठीक से ना आना, भूख ठीक से ना लगना, छोटी छोटी बात बहुत मुश्किल लगनी, कैसे करेंगे, कैसे होगा, एप्रीहेंशन, है ना, आइडियाज ऑफ हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, किसी काम में मन ना लगना, रुचि ना होना किसी काम में, जो आपको पहले अच्छा लगता था उसका स्वाद ना मिलना, है ना, और जल्दी थकान महसूस करना। तो अगर ये लक्षण हमारे अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब कि क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ डिप्रेशन है, जिसका मतलब दिमाग में एक रसायन है सेरोटोनिन, जो खास तौर पे कम हो गया है, उसके कम होने से नकारात्मक सोच जड़ पकड़ रही है। तो जैसे शरीर के लिए हम रोज खाना खाते हैं, सुबह से लेकर रात तक हमारे घर में चल रही होती है क्रिया कि आज क्या खाना है, आज क्या पकेगा, ये वो रोटी बन के थोड़ी ना घूम रहा है, सब्जी बन के थोड़ी ना घूम रहा है खून में, वो तो रसायनों में तब्दील हो रहा है ना, केमिकल्स में तब्दील हो रहा है। तो अगर कुछ केमिकल हमें चाहिए उस समय दिमाग को पौष्टिकता देने के लिए, दिमाग को राहत देने के लिए, तो उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए और समय रहते उसका उपचार करा लेना चाहिए, बजाय इसके कि इस तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बैठे रहें। और वो बंदा अंदर ही अंदर, वो इंसान अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है, उसको लगता है मैं किसको बोलूं, अगर मैं दोस्तों से बोलूंगा कल को मेरे को तिरस्कृत करेंगे या मजाक करेंगे, और कहीं उन्होंने बात तीसरे को बोल दी तो ये बात तो फैल जाएगी, फिर कल को क्या मेरी शादी हो पाएगी, कल को क्या मेरे को जॉब में प्रमोशन मिल पाएगी, फिर मेरा क्या होगा, लोग मुझे किस नजर से देखेंगे, मैं बेचारा बन के नहीं जीना चाहता, मैं मजाक का पात्र भी नहीं बनना चाहता। तो लोग घुटते चले जाते हैं अपने अंदर, और ऐसे में गलत सलत जगह पर जाके ऊट पटांग उपचार हो जाते हैं। तो जरूरी है इस चीज को समझना। अच्छा, दूसरा, जब नीरसता आती है ना, डिप्रेशन आता है बच्चों में, तो गुस्सैल बढ़ हो जाते हैं बच्चे, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। और कई बार जब आप कोई ड्राइंग बनाते हैं ना, या कुछ लिखते हैं, पोएट्री लिख रहे हैं, या कोई चीज आप सुन रहे हैं,
आप गाना ही संगीत ही सुन रहे हैं तो उसमें भी आप उदासी के संगीत ज्यादा पसंद करने लगते हैं, आपका रोना आ जाता है बात बात पे। और जब आप ड्राइंग भी बना रहे हैं तो उसमें आप कलर का उपयोग नहीं करते। तो जब मैं डिप्रेशन के बच्चे देखता हूँ, उनसे कहता हूँ कुछ ड्रॉ करो, उनके आगे सब कलर पेंसिल्स भी होती है, नॉर्मल पेंसिल भी होती है, तो वो खाली पेंसिल से बनाते हैं, कलर नहीं भरते उसमें। तो यानी जीवन के अंदर जो रंग है उनको कम दिखते हैं और देखना नहीं चाहते और घबराते हैं उन रंगों से, हम इसको कलर शॉक कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमें सामने दिखाई देने लगती हैं। कई बार हम देखते हैं ऑब्सेसिव सिम्टम्स बढ़ जाते हैं डिप्रेशन के साथ साथ। ऑब्सेशन में क्या, किसी एक विचार का बार बार दिमाग में आना, आप उसे निकाल नहीं पा रहे, वो दिमाग में जड़ पकड़ रहा है विचार जो है, आपको पता है बेकार का विचार है। फिर आपको लगता है अगर मैं ऐसा नहीं सोचूंगा ऐसा सोच लूंगा तो सही हो जाएगा, फिर आप बार बार उन एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं जो कंपल्सिव बिहेवियर है या सुपरस्टिशंस हैं, तो वो बढ़ने लगती हैं। तो वो एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। कई लोग आप देखेंगे ताली चेक करते रहते हैं बार बार, कई बार बार हाथ ही धोते रहते हैं, कई बिल्कुल सिमेट्रिकल हर चीज चाहते हैं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह की चीजें कई बार जड़ पकड़ती हैं और कई बार दिमाग के अंदर गलत ख्याल, पूजा कर रहे हैं तो गलत गलत ख्याल आएंगे, अश्लील किस्म के ख्याल आएंगे, गाली गलौज आएगा दिमाग में, फिर लगेगा अरे मैं पापी हूँ जो इस तरह के ख्याल आ रहे हैं मेरे जहन में, दिमाग में, आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं निकाल नहीं पा रहे। ये भी एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। पहले हम इसको एंजाइटी डिसऑर्डर की श्रेणी में लेते थे, इसको अलग हमने दर्जा दिया है और इसका उपचार भी जरूरी है। इसमें भी सीरोटोनिन नाम का न्यूरोकेमिकल जो बहुत कम हो जाता है, जल्द से जल्द उपचार कराना चाहिए बजाय इसके ऊपर बैठे रहने के। इन चीजों के इलाज आज की डेट में संभव है और कराने चाहिए, और इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं, सेंसिबली इलाज होते हैं अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइंस के मुताबिक। और ये जो अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइंस निकलती हैं दुनिया भर की, चाहे इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन की निकलेंगी, चाहे आपकी ब्रिटिश साइकेट्रिक एसोसिएशन की निकलेंगी, चाहे ऑस्ट्रेलियन साइकेट्रिक एसोसिएशन की है, कैनेडियन है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, अनगिनत गाइडलाइंस हैं, और फिर कंबाइंड कंसेंसस गाइडलाइंस निकलती हैं। और पिछले 2-3 दशक कहते हैं जो हमारी जनरेशन ऑफ साइकेट्रिस्ट के गाइडलाइंस, उनका उन सबका शोध कार्य, उन सबका दिमाग उसमें लगता है, और फिर जाके हम कहते हैं कि इतनी देर तक ये ड्यूरेशन तक ये ट्रीटमेंट कराइए, ये ट्रीटमेंट कराइए। अच्छा, लोगों को ये भी मिथ है कि शायद हमें स्टेरॉइड खिला देंगे, शायद हमें ऐसी नींद की गोलियां दे देंगे कि हमें सारी उम्र उसकी लत लग जाएगी, ऐसा नहीं है, ये सब मिथ्स हैं। स्टेरॉइड्स हम लोग साइकेट्री में नहीं इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट में, ठीक है ना। और ऐसे ही हम नींद की गोलियां भी ज्यादा नहीं देते हैं, हाँ शुरू में देते हैं कुछ देर के लिए, वो भी जब जब आपको नींद की समस्या है या बहुत अधिक घबराहट है, और वो भी यदि हम गाइडलाइंस के मुताबिक चले तो बहुत जल्दी उसको भी हम क्लोज कर देते हैं ताकि आपकी जो मेन मेडिकेशन है वो आगे आपको हेल्प कर सके। सर, यहाँ पर आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने दवाइयों का जिक्र किया, कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर हमने मेडिसिन लेना शुरू कर दिया तो उसकी आदत लग जाएगी और मेडिसिन कंटिन्यू करना पड़ सकता है। हाँ, ये अक्सर सवाल आता है और मरीज भी कई बार पूछते हैं हमसे। देखिए, मुझे बताइए, अगर मेरी आंख का ये नंबर है, ठीक है ना, और मैं कहूँ कि नहीं मैंने तो आंख नंबर नहीं लगाना, मैंने अपनी आंख को नहीं, ये ऐनक नहीं पहननी मैंने, है ना, तो मैं आंखों को ऐसे ऐसे करके देखता चला जाऊं, तो मेरी आंख एकोमोडेशन करने के अंदर थकेगी, मेरी आंख की जो मांसपेशियां वो थकेंगी। जब वो छोटी मांसपेशियां थकेंगी तो मेरा नंबर तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, मेरी परेशानी बढ़ेगी, हो सकता है उससे और आंख का प्रेशर डिस्टर्ब हो, मेरा देखने की जो विजन है वो और डिस्टर्ब हो जाए। आज अगर 2 नंबर की जरूरत है तो कल 3 नंबर लगाना पड़े मुझे चश्मे का, ऐसा है ना। और फिर मैं कहूँ कि नहीं अब तो मेरे को आदत पड़ गई ऐनक की, आदत थोड़ी ना, ये जरूरत है। आदत वो होती है जब अनावश्यक तौर पे कोई चीज जरूरत से ज्यादा डोज में आपको खिलाई जा रही है। इनकी गाइडलाइंस हैं, हाँ कुछ लोग हैं जिनकी सीरोटोनिन कम रहता है, उसमें अगर हम दवाई बंद करते हैं कुछ देर के बाद फिर दोबारा से वही कमी आ जाती है, तो बार बार बीमारी ना आए इसलिए कई बार आपको रेगुलर मेडिकेशन लेनी पड़ती है। उसका कतई मतलब नहीं है कि आपको आदत लगी। जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज है, अब क्या बीपी की दवाई की आदत लग गई तो उसके कारण क्या बीपी की दवाई ना खाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से कोई शुगर का पेशेंट है तो वो शुगर की दवाई खा रहा है, उसकी शुगर कंट्रोल में आ गई तो दवाई थोड़ा बंद कर देगा। हम लोग साइकेट्रिक इश्यूज को भी कहते हैं कि भाई आपका अगर डायग्नोसिस हो गया और ये आपके अंदर कमी है, क्योंकि इसको हम एक एक सेल में जाके केमिकल नहीं नाप सकते, पर ये ओवर जनरेशंस इतना शोध कार्य हुआ है और एक प्रकार की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही है कि ये केमिकल्स हैं, ये रसायन है इस पर्टिकुलर बिहेवियर के साथ, इस पर्टिकुलर इमोशन के साथ, इस प्रकार के स्वभाव के साथ, उसके मुताबिक हम दवाइयों का चयन करते हैं, उसके हिसाब से दवाई दी जाती है, और जहां आपके साइड इफेक्ट शुरू होते हैं उसको हम तोड़ते हैं। हम साइड इफेक्ट्स को तोड़ने की भी दवाई होती है या फिर अपनी दवाई की मात्रा को उस हिसाब से संशोधित करते हैं। तो ऐसा नहीं है, और आप ऐसे देखें कि हम रोज खाना खाएंगे, हमें आदत पड़ गई खाना खाने की, हम रोज 3-3, 4-4 रोटी खाएंगे, पता नहीं आधा किलो किलो खाना खाएंगे, अरे उसके लिए हमें पता भी नहीं कितने उसमें केमिकल जा रहे हैं खाने के अंदर। आजकल तो लोग कहते हैं आपको पता नहीं कितनी पौष्टिक चीज मिल रही है, उसमें कितने केमिकल हैं, कितनी चीजें उसमें मिली हुई हैं।
वो इसलिए खाते हैं क्योंकि तन को जरूरत है ना, यहाँ के सेल को जरूरत है तो समझ में आ रही है। अरे यहाँ के सेल को जिस चीज की जरूरत है अगर वो कुछ मिलीग्राम डोज है तो उसको खा लेने में क्या दिक्कत है, और रोटी बन के थोड़ी ना घूम रहा है खून के अंदर जो हम खाना खा रहे हैं, वो भी तो रसायन में तब्दील हो रहा है ना, सब्जी बन के थोड़ी ना घूम रहा है, वो भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही तो बनेगा अंदर जाके खून के अंदर। तो अगर हमें जिस चीज की आवश्यकता है उसको ना लेके, अब मेरे को कोई कहे कि भाई एरोप्लेन से तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है तो आप यहाँ से कन्याकुमारी पैदल चले जाइए, अरे एक्सीडेंट होना होगा तो पैदल भी हो जाएगा सड़क के ऊपर, है कि नहीं? और कोई पैदल तो नहीं जाएगा यहाँ से कन्याकुमारी सैर करने दिल्ली से। तो फिर जब आपके पास वो चीज है ना, उपलब्ध है सुविधा, तो उसको ना लेते हुए हम एक लॉन्ग रूट, एक ट्रेचरस रूट, और उसमें भी क्या संभावना है ठीक हो ना हो, तो बजाय इसके मुझे लगता है समय रहते प्रोफेशनल एडवाइस, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट कराना चाहिए जब क्लिनिकल सिंड्रोम है डिप्रेशन का। हाँ, हल्की फुल्की उदासी है किसी बात को लेकर, उसको तो आप अपने लेवल पे भी ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। हम लोग कई बार कहते हैं आप रेगुलर व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खान पान रखें, आजकल बाहर खाने का बहुत क्रेज है लोगों को, तो थोड़ा सा उस चीज पे कोविड भी कहता है कि घर पे खाइए, घर का खाना, घर की रोटी, थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दें, और पौष्टिक आहार हो, संतुलित आहार हो, तो उसमें आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, उसमें फ्रेश फ्रूट्स भी होने चाहिए। इस तरह की चीजें जब हम रेगुलर इंटरवल्स पे खाते हैं तो उससे कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियां भी हमारी कम होती हैं। तीसरा हम कहते हैं एक्सरसाइज, योग, कुछ मेडिटेशन, कुछ ऐसे शौक रखिए जो आपको जिंदा रखते हैं, हेल्दी शौक, चाहे म्यूजिक का है, संगीत से लोग जुड़े हैं, कई पोएट्री के साथ जुड़े हैं, कईयों को लिखने का शौक है, कुछ लोगों को पाठन का शौक है, तो अलग अलग तरह की चीजें, दोस्तों के साथ जुड़ाव कुछ है ना, बातचीत, तो ये इंटरेक्शंस बड़े जरूरी। कुछ देर के लिए नेचर को ऑब्जर्व कीजिए, अब कोविड के दौरान देखिए ऐसी ऐसी चिड़िया हमें दिखाई दी जो दिल्ली में पहले दिखती नहीं थी, है ना, आकाश बड़ा अच्छा दिखता है, अब तारे बड़े अच्छे दिखते हैं, अब दोबारा ट्रैफिक थोड़ा बढ़ने लगा तो फिर कम हो गए पर बीच में बहुत अच्छे दिखने लगे, तो एक तरह से नेचर भी अपने आप को हील कर रही है, एक ब्राइटर साइड देखिए लाइफ का। और 10-15 मिनट बिल्कुल बिना किसी चिंता के रिलैक्सिंग वे में, चाहे चाय पिए, चाहे बैठ के बाहर गप लगाएं, चाहे आकाश की ओर देखें, ये बहुत जरूरी है। हम जितना नेचर से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं ना अपने आप को, टेक्नोलॉजी मशीन, उतनी हमारी इमोशंस दबी हैं हमारे अंदर, और जितनी हमारी इमोशंस दबी हैं वो गलत फॉर्म लेती हैं। मिसकम्युनिकेशन फैमिली के अंदर उसको रिजॉल्व कीजिए, होता क्या, टेबल पे बैठे हैं, बच्चे अपने मोबाइल पे हैं, है ना, आप भी मोबाइल पे अपने SMS और टेक्स्ट कर रहे हैं, तो फिर टेबल पे क्यों बैठे हैं, ये तो अनादर है एक दूसरे का, बैठे हैं, आई कॉन्टैक्ट जरूरी है। फैमिली मेंबर्स कितना आई कॉन्टैक्ट रखते हैं एक दूसरे के साथ, कम से कम 5-10 मिनट का आई कॉन्टैक्ट तो दीजिए 24 घंटे में एक दूसरे को, कभी एक दूसरे के साथ बैठ के तो पूछिए आज तुम्हारा दिन कैसे बीता, आज तुम्हारा क्या चला, आज कोई मजेदार बात सुनाओ, ये बात होती नहीं घरों में। हर आदमी काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो जूझते हुए काम कर रहा है, माइंडफुली नहीं कर रहा, एंजॉय नहीं कर रहा, मुझे करना पड़ रहा है। जब आप करना पड़ रहा है कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, दूसरा मुझे क्या दे रहा है, तुमने दिया ही क्या है, तुमने मेरा किया ही क्या है, ये असंतोष, ये अनरेस्ट आपके दिमाग में लगातार आपकी नेगेटिविटी बढ़ाता है, घटाता नहीं। सर, एक विशाल करके हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने ये सवाल भी पूछा है कि वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो वो वर्क कीजिए जो उसके बारे में आप पैशनेट हैं। आज जमाना ऐसा हो गया कि हमें पैसा कमाने के लिए काम करना है, जब पैसा कमाने के लिए काम करना है तो हर इंसान सोचता है आसान से आसान तरीके से, शॉर्टेस्ट कट से मैं वो काम कर लूं, गलत है। वो काम कीजिए जिसमें आपकी रुचि है, जब आपकी रुचि है, आप उसमें पैशनेट हैं, तो आपको उसकी सिरदर्दी महसूस नहीं होगी, आप उसको एंजॉय करेंगे। जैसे हमें याद है कि जब हम लोग डॉक्टर बनने की सोचते थे तो लोग कहते थे डॉक्टर क्यों बनेंगे, मैं बात कर रहा हूँ आज से 30 साल हो गए इस बात को, तो हम कहते थे भाई इसलिए करना है लोगों को ठीक करना है, ठीक होंगे लोग, उनकी दुआएं लगेंगी, अच्छा लगेगा, ऐसी सोच थी। आज मैं पूछता हूँ बच्चों से कि भाई आप डॉक्टर क्यों बनेंगे, तो अधिकतर कहते हैं भाई हमने पैसे कमाने हैं, हमने गाड़ी ये वाली लेनी है, हमने उस ब्रांड की ये खरीदनी है। अरे डॉक्टर के जीवन में बहुत मेहनत है, बहुत मुशक्कत है, खाली गाड़ियां नहीं है, ठीक है। तो वो एक तो ये शॉर्टकट ना अपनाएं, दूसरा जो काम कर रहे हैं माइंडफुली करें, उसको एंजॉय करते हुए करें, वहां का एटमॉस्फेयर भी पॉजिटिव रखें। होता क्या है कई बार घर के कले कलेश, आपके परिवार की जो टेंशन है वो आप अपने काम की जगह पर भी निकाल देते हैं, आपका सबॉर्डिनेट है उस पर गुस्सा कर दिए, है ना, कई बार नाराज हो गए, कई बार आपका काम में मन नहीं लग रहा क्योंकि मन के हालात घर ठीक नहीं है, परिवार के हालात ठीक नहीं है। एक तो प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग, पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग, इनको मर्ज नहीं करना, ऐसे कुछ रिश्ते नहीं बना लेने प्रोफेशनल लाइफ में जो कल को आपकी फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब करें, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। और फिर जहां आप प्रोफेशनल लाइफ आपकी है वहां पे फिक्स्ड आवर्स रखिए, कोशिश कीजिए उसके अंदर आप अपना संपूर्णतः ध्यान दें, जैसे घर पे हैं तो घर पे ध्यान दीजिए, काम की जगह पर है काम पर ध्यान दीजिए। अब आजकल चुनौती ये है कि घर पे रह के काम करना है, तो कुछ ऐसी जगह बनाइए जहां पे आप अच्छे से बैठे, वहां डिस्टर्बेंस कम हो परिवार की, और काम प्यार से कर सके बिना किसी इंटरप्शन के। और फिर जब वो कार्य खत्म होता है तो बिल्कुल उसको दिमाग से हटा के अपना
घर की तरफ तवज्जो दें। तो ये बैलेंस बहुत जरूरी है, रैशनल बैलेंस। अपने लिए भी समय निकालना है, आज के युग में इतनी जिम्मेदारियां हैं, कभी ये भरना है फॉर्म, कभी वो भरना है, कभी बच्चों की एडमिशन करानी है, बहुत काम है एक दिन में एक इंसान को। छोटे छोटे काम जोड़ते चले जाइए, कोई बिल रह गया, अरे उस पर वो लग जाएगा, आज आज हमारा चालान कट गया, आज फलाना हो गया, कितनी टेंशन है इस समय। और मैं तो ये कहूंगा कि जो व्यूअर्स सुन रहे हैं और यदि अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, तो इस समय कोशिश कीजिए कि दूसरे इंसान को कुछ हम राहत दे सकें, बजाय इसके कि दूसरे को हम परेशान कर दें चीजों के साथ। कहते हैं इंसानी नजर से चीजों को देखने की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि एक दूसरे के सहारे से, सहयोग से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज कोविड के लिए भी देखिए इतने लोग जुड़ गए हैं राष्ट्र भर में, दुनिया भर में, इतने पर्चे निकल के आए हैं साइंटिफिक, जितने शायद 10 साल में नहीं निकलते, उतने एक साल के अंदर निकल के आगे पर्चे। क्यों? क्योंकि सब एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं, दिमाग लगा रहा है हर इंसान कि कैसे इसका निजात पाया जाए, कैसे इतनी जल्दी, पहले मास्क की शॉर्टेज, कैसे फटफट मास्क आ गए, कैसे सैनिटाइजर्स आ गए, एकदम शुरू में ब्लैक मार्केटिंग भी हुई इनकी, फिर एकदम से सब चीजें सामने आ गई। कैसे आ गई सामने? कि लोग लग गए ना कि हम सकारात्मक रूप से इस एनर्जी को यूज करें। जिनकी फैशन डिजाइनिंग का काम था, जो फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े लोग थे, उन्होंने मास्क बनाने शुरू कर दिए फटफट, कि लोगों ने ग्लव्स बनाने शुरू कर दिए, है ना। तो इस तरह की चीजें कैसे तैयार हो गई सारी की सारी। तो ये चीजें अगर हम सकारात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो कहीं ज्यादा उस एनर्जी को हम आगे लाभकारी बना सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक दूसरे की टांग खींचते रहें। और यही हमें आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने की आवश्यकता है, जो हम कर भी रहे हैं। आज हिंदुस्तान की तरफ लोग इसीलिए देख रहे हैं कि ये जोड़ रहा है, ये जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये हल निकालने की कोशिश कर रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है इस समय, है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी। इसी प्रकार से हमारा घर भी एक प्रकार की संस्था है, आप जहां काम करते हैं वो भी एक प्रकार की संस्था है, वहां जुड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, है ना। और माइंडफुली जुड़िए, और थोड़ा सा एक्सरसाइज के समय निकालिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लीजिए। टाइम टेबल होता है ना स्कूल के बच्चों का, वो खाली स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, वो हम सबको फॉलो करना चाहिए थोड़ा सा, कि इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, इतने बजे हम खाना खाएंगे, कुछ नियमित तरीके से। सेहत के लिए भी अपना ध्यान रखिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर समय निकालिए करने की। जो वृद्ध लोग हैं, बैठे बैठे भी अपने हाथ पैर हिला सकते हैं, जरूरी है, ताकि एक्सरसाइज होती रहे, बॉडी के अंदर रक्त का संचालन सही रूप से होता रहे। और जिनके बच्चे दूर हैं, उनसे इंटरनेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना, व्हाट्सएप के माध्यम से फोन कॉल एक दूसरे से कर सकते हैं, एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं। इंसानी जुड़ाव बहुत जरूरी है इस समय। जिस तरह से सर अभी आप दूसरे शहर में और मैं दूसरे शहर में हूँ, फिर भी हमारी बातचीत चल रही है, और कितने व्यूअर्स हैं जो पता नहीं अलग अलग शहर से, भिन्न भिन्न जगह से हमें देख रहे होंगे, और शायद उनको छू रही होंगी बातें जो मैं कह रहा हूँ। ये बातें आज हकीकत बनती जा रही हैं कि इंसान यदि इंसानियत अपनी निभा ले, तो कई प्रकार की मानसिक समस्याओं से हम बच सकते हैं। हम घर में किन चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं, वही चीजें बच्चे सीखते हैं। बच्चे आज की डेट में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़ते चले जा रहे हैं, पर इंसानी जज्बे थोड़े कम हो रहे हैं, है ना। दोस्त तो बहुत सारे हैं इस पे सोशल नेटवर्किंग साइट पे, पर आज अगर जरूरत है तो खड़े होने वाला दोस्त एक या दो भी मुश्किल से दिखते हैं। तो आज ये चीजों की बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। परिवार के अंदर जुड़ाव नहीं है, परिवार का फैब्रिक जो है वो बड़ा हल्का हल्का होता चला जा रहा है, उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। बड़ों का कहते हैं तिरस्कार नहीं होना चाहिए घरों में, उनकी इज्जत होनी चाहिए घर में, वो आपकी रूट्स हैं, आपकी जड़ें हैं, उनको नहीं काट सकते। सर जिस तरह से बच्चों की बात कर रहे थे आप, और आपने बताया कि आप जब कोई बच्चे अगर ऐसे डिप्रेस्ड होते हैं आपके पास आते हैं, तो वो पेंटिंग करते हैं और कलर का यूज नहीं करते हैं, तो हमारी एक व्यूअर है सीमा श्रीवास्तव, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि बच्चों की मानसिक स्थिति को कैसे समझे। तो सर ऐसे बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को? देखिए एक तो घर में बच्चों को, बच्चे शॉक एब्जॉर्बर्स भी होते हैं, बच्चों पे बहुत जल्दी सोशल लर्निंग भी का इन्फ्लुएंस भी होता है आसपास जो देखते हैं। कई बार घरों में दरारें होती हैं, मियां बीबी की ईगो क्लैशेस होते हैं, समझदार वो जो ईगो को आड़े ना आने दे, है ना। कहते हैं ईगो जो है ना वो उस प्रकार से है कि जब हमारे नाखून बड़े हो रहे होते हैं, तो नाखून आप मान लीजिए ईगो है, उसके लिए उंगलियां तो नहीं काटते ना, उंगलियां हमारे रिश्ते हैं, रिश्तों को नहीं काटना हमने, हमने ईगो को काटना है, नाखून काटने हैं, उंगलियां नहीं काटनी, ईगो को काटिए। फिर जब हम माँ बाप बन गए, पेरेंट बन गए, तो हमारी ईगोज मर्ज हो गई, फिर ये नहीं कि तुम अलग और मैं अलग। बच्चे के लिए आप दोनों ले अलग से सलाह करनी है, और दोनों का एक ही आवाज और एक ही स्वर होना चाहिए बच्चे को समझाने के लिए। अगर पिता समझा रहा है बच्चे को, डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा है, और माँ साथ में कहते तुम्हारे बाप ने किया ही क्या तुम्हारे लिए, वो करता ही क्या है, तो आपने बच्चे की पर्सनैलिटी पे आघात कर दिया, बच्चे का जो रिश्ता पिता के साथ है उसको तोड़ दिया, उसको काट दिया। इसी प्रकार से यदि पिता आहत करता है, तो माँ के साथ रिश्ता खराब होता है। जब बच्चे के अंदर माँ और बाप उसकी आइडेंटिटी है, मैं उनका हूं, उनसे जुड़ा हूं, आपने उनको ही काट दिया, उसी पे प्रहार कर दिया, तो बच्चा जो है वो अंदर ही अंदर मुरझाने लगता है,
क्योंकि उसका सेल्फ एस्टीम टूटने लगता है, उसकी आइडेंटिटी टूटने लगती है, उसको समझ नहीं आता मैं किसे फॉलो करूं किसे ना करूं। और ऐसे में फिर कुछ ऐसी दोस्तियां बना लेता है जो सही नहीं होती, कुछ ऐसे रिश्ते जहां सहानुभूति दिखती है पर प्यार अंदर से नहीं है, तो वहां पे कई घर की बातें खुलने लगती हैं, ऐसे में घर की गुत्थियां और उलझने लगती हैं और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स बच्चों में बढ़ती दिखती हैं। ऐसे में बच्चे गुस्सैल हो जाते हैं, अलग थलग होते हैं, दरवाजे भी घर में हैं तो उनको बैंग करने लगते हैं, कई बार खुद को सेल्फ हार्म करने लगते हैं, कई बार गोलियां ज्यादा खा लेंगे, कट लगा लेंगे, कई बार नशे की तरफ कदम बढ़ने लगते हैं, कई बार मौज मस्ती की तरफ कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं जो गलत है। तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है परिवार के अंदर एक डिसिप्लिन की आवश्यकता है, रिस्पेक्ट की जरूरत है एक दूसरे के लिए, मुझे क्या मिल रहा है, मैं की डेफिनेशन बहुत संकुचित नहीं होनी चाहिए उस मैं में, मैं मेरा परिवार मेरा राष्ट्र और अंतरराष्ट्र, ये पूरे के विषय में जब आप सोचते हैं तो आपका दिल उदार होता है, आप बड़ा महसूस करते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है और खुशी खुद ब खुद आती है। पर जब आपको लगता है मुझे क्या मिल रहा है और आप उस लूट कसूट में पड़ गए तो उसमें आपको जितना मिलेगा आपको कम लगेगा, आप हमेशा दूसरे को अपने दुख का और अपने सुख का यदि कारण बना लेंगे तो दूसरा आज है कल नहीं है, आपकी खुशी की चाबी तो दूसरे के हाथ चली गई, चाबी अपने हाथ में होनी चाहिए, कभी किसी बात को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहिए और ग्रैटिट्यूड शुड बी ऑलवेज थैंकफुल। आज यदि आप घर पे हैं, आपको दो वक्त की रोटी नसीब हो रही है, छत है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, जितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सब नहीं नसीब होता है ना, तो आपके पास जो है उसके लिए हमारी कृतज्ञता, उसके लिए हमारी एक ग्रैटिट्यूड वो बहुत जरूरी है, शुरुआत दिन की उससे कीजिए, रात सोने से पहले फिर भगवान का शुक्र अदा करके सोचिए अगले दिन तीन चार चीजें मैंने क्या करनी है, चाहे वो छोटी छोटी चीजें हैं, चाहे पौधे को पानी देना है, चाहे माँ बाप के पास जाके कुछ गप लगानी है, कोई छोटी छोटी बातें पांच जो आपने करनी है अगले दिन, ऐसे अलग अलग दिन अलग अलग, और देखिए कितना अच्छा आपको लगेगा। ये सब मन का खेल है, मन को पॉजिटिव खुराक मिलनी चाहिए, वो विचारों से मिलेगी, क्या आप देखते हैं, क्या सुनते हैं, किस तरह की चीजें आप नेट पे देखते हैं, इन सब चीजों का प्रभाव आपके दिमाग पे, आपकी सोच पे, और वो सोच आपकी जबान पे आती है, आपके आचरण में आती है, और उससे आपके रिश्ते या सिमटते हैं, जुड़ते हैं या फिर टूटते हैं। सर एक सवाल मैं और ले लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसका जवाब भी जान लेना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन का पेंडेमिक का वक्त है और अभी भी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो एक व्यूअर का सवाल है कि ऐसे टाइम पे उन्हें गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए गुस्सा तब आता है जब हम दूसरों को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं और दूसरा हमारी बात नहीं मानता, अक्सर ऐसा है, या हमारे मन मुताबिक चीज नहीं चल रही होती तो गुस्सा आता है। तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि सबसे पहले गुस्सा, मैं कहता हूं एक आपका सबसे बड़ा शत्रु तो गुस्सा है, वो इंसान नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि गुस्से में हड़बड़ाहट में आप कई ऐसी चीजें बोलेंगे, आपके अंदर इतने रासायनिक फेरबदल होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती है ब्रेन में, डोपामिन फायरिंग होती है ब्रेन के अंदर, ये चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो हार्ट का स्वास्थ्य है, चाहे शुगर लेवल्स हैं, चाहे ब्लड प्रेशर है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे आपका माइंड है, इन सब के लिए ठीक नहीं। तो गुस्सा आपका सबसे बड़ा शत्रु, तो सबसे पहले तो गुस्से को शांत करना है, दूसरे को तो बाद में निपटेंगे। और गुस्सा अक्सर जल्दबाजी में आता है, जब आपका कोई रास्ता रोक रहा है आपको बहुत जल्दी है, या आप कोई बहुत जल्दी किसी उसका निष्कर्ष पे आना चाह रहे हैं पर आ नहीं पा रहे हैं, है ना, सॉल्व नहीं हो पा रही प्रॉब्लम आपसे, तो आप एक फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, जल्दबाजी, उससे फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस और फ्रस्ट्रेशन का जो जुड़ाव है उससे गुस्सा, एंगर। तो मैं अक्सर कहता हूं एंग्जाइटी परकुलेट्स इनटू एंगर, यानी अगर एंग्जाइटी को कंट्रोल नहीं किया तो आप गुस्से की ओर बढ़ गए। तो गुस्से को शांत करने का तरीका ये, हम कहते हैं सबसे पहले कभी किसी सिचुएशन को एकदम डू एंड डाई सिचुएशन मत बनाओ। कोई अगर कोई किसी ने कोई नेगेटिव बात की, अरे भाई वो कोई ब्रह्म वाक्य थोड़ी ना बोल दिया उसने कि आपने उसको पकड़ लेना है, ठीक है ना, उसने कुछ बोला, हो सकता है दूसरा इंसान टेंशन में इसलिए ऐसा बोल रहा है, बोलने दो उसको, वो अपनी खिड़की खोल रहा है, अच्छी बात है खोल रहा है, अपने गंद अपने दिमाग में नहीं रख रहा, पर कतई ये मतलब नहीं कि जो उसने दिमागी कूड़ा बाहर निकाला आपने सारा बटोर के अपने अंदर रख लिया और फिर बार बार रोज उसको सूंगा, जरूरत नहीं है। वो आप ये मानो कि उसने अगर 100 बात की, हो सकता है उसने बड़े गंदे तरीके से, गंदे लहजे से, गलत शक्ल बना के, गाली गलौज करके बोली, उसकी प्रॉब्लम, उसने अपने आप को रिलीज किया, चलो अच्छा उसका मन शांत हुआ, पर उसने जो बोला उसमें अगर एक बात मेरे रखने वाली है काम की, अगर मुझे हीरे की अंगूठी दिखती है कबाड़ी स्थान में या कूड़े में भी पड़ी हुई, मैं उसको उठा लूंगा, उसको साफ करके पहनूंगा ना, पर इंसान करेगा ये क्यों करेगा, कि भाई आपको अगर एक काम की बात दिखती है 100 बातों में, उस काम की बात को पकड़ो। माँ बाप कई बार कई ऐसी बातें कहते हैं जो बच्चों को चुभ जाती हैं, आजकल बच्चे ना नहीं सुनते, हल्की सी बात पे भी चिड़ जाते हैं, चुभ जाती है बात, तब ये समझना है कि अरे माँ बाप की कभी इंटेंशन आपके लिए बुरी थोड़ी ना हो सकती है, माँ बाप कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा गलत करे, वो बल्कि अपनी गलतियां बच्चे ना दोहराएं इसलिए कुछ समझ की बात कह देते हैं, तो उसकी उसकी जो बात है, जो इंटेंशन है, उसको कभी डाउट मत करो।
पर जो जो कह रहे हैं उस बात को खाली समझने की कोशिश करो, और लगता है अपने आप की कमी है उसको अगर उभारने की कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आपको ऐसे लोग चाहिए कैदगर जो हर समय आपकी गलतियों पे भी तालियां बजाएंगे, बहुत अच्छा कर रहे हो और गलती करो और गिरो गड्ढे में, वो तो गलत है लोग पे, है ना। तो आपको ये देखना है कि इंटेंशन क्या है दूसरे आदमी की, और जो सच्चा दोस्त होगा, जो सच्चा रिश्ता होगा, हमेशा आपका कान पकड़ के सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करेगा, आपका मखौल नहीं बनाएगा, आपको सबके आगे तिरस्कृत नहीं करेगा, पर आपको वक्त रहते समझाने की कोशिश करेगा। उसे अपना लें, उसे ना छोड़े। गुस्से का तीसरा तरीका ये, मैंने देखा जो लोग बहुत अधिक नॉनवेज खाना खाते हैं, बहुत अधिक, तो मैंने देखा है ऐसा, और ऐसा मानते भी हैं लोग, काफी इस पे साइंटिफिक लिटरेचर भी है कि भोजन के साथ भी आपका मन जुड़ा है ना, क्या आपका खान पान है, क्या रहन सहन है, तो उससे भी, अगर आप ठीक समय पर सो नहीं रहे हैं, बहुत अधिक नॉनवेज और रेड मीट खासतौर पर ज्यादा खा रहे हैं, तो उससे भी आपका डोपामिन लेवल थोड़ा बढ़ता है, उसके चलते भी आपको गुस्सा ज्यादा आता है। फिर कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें गुस्सा अधिक आता है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, आपको बहुत जल्दी इंपल्स डिसकंट्रोल, यानी आप बहुत जल्दबाजी में हैं अंदर ही अंदर, आप रोक नहीं पाते अपनी इमोशंस को। हम सबके पास एक इमोशनल माइंड और एक लॉजिकल माइंड है, हमेशा थोड़ा सा समय देना चाहिए इमोशंस को शांत होने के लिए, फिर सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और कभी भी किसी को अगर आप टोकना भी चाह रहे हैं, पहले प्यार से उसको बात करिए, उसकी तारीफ भी कीजिए, तुम्हारे अंदर ये अच्छा है, ये अच्छा है, पर यार तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा ना किया करो, ये दिल को टूटती है बात, इसकी जगह ऐसे कर लो, वो उस बात को ग्रहण करता है, बजाय इसके कि आप गाली गलौज करके उसको अटैक करें, तो उससे आप अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होते, आपका मकसद हल नहीं होता, क्योंकि उससे तो आपने एक्शन का रिएक्शन, रिएक्शन का एक्शन, तो क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है, उसमें किसी को राहत नहीं मिलती, उससे तो गुत्थियां और उलझती हैं। फिर शत्रुता पालना, मन में ग्रजेज रखना, परेशान रहना, उलझे रहना, माथे पे बल रखना, ये सब हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ये देखा गया है, हमारे पेट के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारे सिरदर्दी के लिए, इन सब चीजों के साथ जुड़ी हैं चीजें। कई बार लोगों का ब्लड प्रेशर ही फ्लक्चुएट कर रहा होता है, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही होती, क्योंकि इतनी टेंशन, इतना गुस्सा। फिर रिश्ते भी कटते हैं, रिश्ते भी साथ में नहीं जुड़ना चाहते हो, कहते हैं कि हर समय चिढ़ते रहे, हर समय बोलते हैं ऐसा, हम नहीं बात करेंगे, तो उससे आपके रिश्ते संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कई बार आप ऐसे नहीं, बॉडी लैंग्वेज में गुस्सा आ जाता है, हमारी 80% कम्युनिकेशन वाणी से नहीं है, हमारी बिहेवियर से है, हमारे आचरण से है। अगर हमने आंख ऐसे करके किसी को देखा, कोई घर में घुसा तो, और हमने दरवाजा बैंग करके पटका, उससे ही एक बदमजगी क्रिएट होती है, अशांति का भाव क्रिएट होता है, और अशांत मन से हम रिश्तों को कैसे रिलैक्स वे में आगे लेके चल सकेंगे, ये चीज को ध्यान देने की आवश्यकता है। गुस्सा अगर बहुत आता है तो फिर उसका प्रॉपर समझना जरूरी है कि गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या ऐसे पारिवारिक संदर्भ हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स में आप फंसे हैं, क्या कार्यशैली इस प्रकार की हो रही है जो ओवरबर्डन है, क्या हो रहा है ऐसा कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, अगर आपकी नीड्स प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो रही तो भी कई बार गुस्सा अधिक आता है इंसान को, तो क्या ऐसे कारण है, कौन सी ऐसे इश्यूज हैं जिनके कारण आपको गुस्सा आ रहा है। पर जब गुस्सा है तो छोटे 5 टिप्स बताऊंगा, पहले उस समय उस जगह से थोड़ा हटने की कोशिश कीजिए, दरवाजा बैंग करके नहीं, ठीक है, पानी पीजिए, मन को थोड़ा सा शांत कीजिए, समझाइए कि इस समय सबसे बड़ा दुश्मन गुस्सा है, दूसरा इंसान या सिचुएशन इतनी बड़ी गुस्से के कारण नहीं है। तीसरा, उस समय थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कीजिए, जब डीप ब्रीदिंग करेंगे तो फिर उस समय थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स करेगी, आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में रिएक्ट करेगा, होता गुस्से में आपका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेशन होती है, तो उसको हमने शांत करना होता है। चौथा, आराम से सोचिए उस समय कि ये एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के साथ, ये तो है नहीं कि दूसरा 100% गलत है और मैं तो 100% राइट हूँ, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना कहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। अपने तौर पे देखिए कि क्या ये सिचुएशन को मैं किसी और तरीके से, बिना अभद्र भाषा के प्रयोग के, बिना अपने आप को डिस्टर्ब किए, प्यार से, ढंग से समझा सकता हूँ, उसका हल क्या है, सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच। उस समय नहीं, क्योंकि गुस्से में हर आदमी बोल रहा होता है, सुनने की किसी में क्षमता नहीं होती। अपने आप को जब अलग कर लेते हैं उस सिचुएशन से, थोड़ा ठंडा पानी या थोड़ा सा रिलैक्स किया माइंड को, थोड़ा डीप ब्रीदिंग की, कोई ये डू एंड डाई सिचुएशन नहीं है, मैं तो बहुतों से अच्छा हूँ, कोई नहीं, आज एक सिचुएशन मुश्किल आ गई, कोई ऐसा इंसान सुना है जिसकी जिंदगी में रोज बहुत अच्छा 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 ही हो रहा है, कुछ गलत नहीं होता, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, लोग कहते हैं प्रॉब्लम्स हैं तो जीवन है, जिस दिन प्रॉब्लम्स खत्म जीवन समाप्त, ऐसा भी लोग कहते हैं, बस ये भगवान से कही कृपा कीजिए कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी देता रहे, हमारे अंदर कैपेसिटी हो कि हम अपने लॉजिकल माइंड को एक्टिव रखें, वो हम ना सुला दें, तो लॉजिक ये कहेगा कि कैसे उस प्रॉब्लम का हमने हल ढूंढना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, उस रिएक्शन को थोड़ा कम कीजिए। तो एक तो खुद मत किसी के जज बनिए, किसी और को अपना जज मत समझिए, जज तो ऊपर बैठा है, या आपका ईमान है आपका जज, क्योंकि वही लेके जाना है अपने साथ, और तो कुछ नहीं जाना, बाकी तो सब छोड़ जाएंगे यहाँ पे, और जो कमाएंगे उसमें से 10% भी खर्च कर ले तो बहुत बड़ा खर्च कर लिया, बाकी तो सब यही छूटना है कि नहीं। और दूसरा, मन को रिलैक्स करने के जरिए ढूंढिए,
थोड़ा पॉजिटिव प्लीजिंग पर्सनालिटी रखिए, स्माइल करके बात करेंगे, चेहरा भी खूबसूरत लगता है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है, उससे एकदम से दूसरा इंसान जो है उस मन से कनेक्ट होता है। आप खुद देखिए, आप किसी के पास जाए उसका माथा ऐसा हो, आपका बात करने को मन नहीं करेगा, माथा रिलैक्स हो, स्माइलिंग फेस हो, आपका मन करेगा बात करने का। तो बॉडी लैंग्वेज 80% कम्युनिकेशन आपका है। और ये भी कहा गया कि जब आप लाफ्टर थेरेपी है, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, तो आपके अंदर कई तरह के पॉजिटिव न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे है ना। तो ये चीजें अपने अंदर अपनाइए थोड़ी सी और थोड़ा सा। और कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें गुस्सा आता है, जैसे कई बार हम देखते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, मतलब दो छोर, कभी बहुत तेजी में चले गए, बड़ी बड़ी बातें, भाग दौड़, रात रात भर जागना, कोई रोक दे तो गुस्सा कर देना उस पर, चिड़ जाना, बहुत तेज रफ्तार गाड़ी चलाना, खूब खर्चे कर देना, तेजी में कई हफ्ते तक आदमी उस तेजी में रह सकता है और उसमें कई गलत सलत फैसले कर लेता है, कई बार प्रॉपर्टीज बेच देता है कौड़ियों के दाम, कई बार गलत सलत अनावश्यक चीजें खरीद लेता है, किसी की नहीं सुनता है ना, कई बार मॉल्स में भागना शुरू कर देता है, कभी यहाँ कभी वहां, क्राउडेड मार्केट्स में जाना शुरू कर देगा, कोविड के दौर में इन्फेक्शन का रिस्क है ना। तो ये सब चीजें आदमी नजरअंदाज कर देता है, कई बार ऐसे रिश्ते बना लेता है सुपरफ्लूस से जो गलत होते हैं, कई बार लोगों को ऐसे ही पैसा पकड़ा देता है, कल को याद भी नहीं रहता किस किस को क्या क्या पकड़ा है, लेने जाओ तो रिश्ते खराब। तो ये सब चीजें लोग मीनिया के दौरान कर बैठते हैं, तो उसका भी उपचार होना जरूरी है। कई बार नशा जो लोग ज्यादा करते हैं उनमें मैं देखता हूँ गुस्सा कई बार अधिक आ जाता है, तो ये चीजों का उपचार समय रहते होना जरूरी है। कुछ साइकोटिक एलिमेंट्स होते हैं उनमें भी गुस्सा अधिक आता है, जहां आपको कानों में आवाजें आने लगती हैं, कुछ ऐसी चीजें दिखाई सुनाई देने लगती हैं जो साधारणतः लोग नहीं देख सुन सकते हैं, तो आदमी को लगता है कि कुछ षड्यंत्र चल रहा है, लोग मेरे खिलाफ है, मेरा नुकसान चाहते हैं, ऐसे में भी आपको गुस्सा कुछ अधिक आता है और उसमें अपने भी पराए लगने लगते हैं। तो इस तरह की चीजों का भी इलाज है, उपचार है। सर आपने बहुत ही अच्छे टिप्स शेयर किए हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ। आई होप लोग इसे एडमिट करेंगे, अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और जो हमारा देश डिप्रेशन के मामले में, मेंटल इलनेस के मामले में सबसे अव्वल है, शायद वो लास्ट पर पहुंच जाए। हमारे साथ आप सबसे ट्रीटमेंट में भी सबसे आगे आएगा। आप देखिए हिंदुस्तान के जो साइकेट्रिस्ट हैं दुनिया भर में कार्य कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज के भी जो साइकेट्रिस्ट हैं उनमें भी कई हिंदुस्तान के साइकेट्रिस्ट हैं जो यहाँ पले बड़े हैं, यहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है, शिक्षा ग्रहण की है। मैं तो खुद बाहर 2 साल पढ़ा के वापस काम करके वापस आया हूँ। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज साइकेट्री काफी अधिक उसमें शोध कार्य हो चुका है, काफी तथ्य सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। और देखिए हर घर की कहानी है। अब ये जब हम कहते हैं, WHO कहता है कि 4 में से 1 व्यक्ति, तो एक फैमिली साइज आप एवरेज 4 लोगों का भी लगा लीजिए तो आ जाता है। और 2001 के आंकड़े हैं, हमने अब जो सर्वे किया उसके अंदर तो इतने आ रहे हैं केसेस सामने। तो मैं तो ये कहूंगा कि हर घर की कहानी है, हर दूसरे इंसान की कहानी है, तो उसमें उसका मजाक क्यों करना है। जैसे अगर किसी को खांसी आई तो किसी को भी आ सकती है ना खांसी, उसका मजाक क्यों करना है, उसका उपचार करना है, उसका टाइमली ट्रीटमेंट करना है, उसको निग्लेक्ट नहीं करना। और दूसरा, स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, तनाव को कैसे कम किया जाए, साथ साथ अच्छा जीवन शैली अपनाना जरूरी है, कुछ भक्ति भाव रखना जरूरी भी है, फेथ भी बहुत हेल्पफुल है, होप, ऑप्टिमिज्म, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, है ना। ग्रेटिट्यूड, वैल्यू सिस्टम, उसको ना सैक्रिफाइस कीजिए, उसको रखिए। समय पे सोना, समय पे उठना बहुत जरूरी है, आधी बीमारियों की तो जड़ वहां से शुरू होती है, उसको ध्यान में रखें। बहुत ज्यादा इंटरनेट, बहुत ज्यादा टेक्नोसेवी नहीं, टेक्नोलॉजी को हाँ जैसे एक पॉजिटिव मकसद के लिए कुल करना चाहिए, पर हर समय उस पे जुड़े रहें, 24 घंटे जुड़े रहें, वो ठीक आपकी सेहत के लिए नहीं है। इसी प्रकार से गलत सलत चैलेंजेस लोग ले लेते हैं, जैसे ब्लू व्हेल चैलेंज आया, कई तरह की चीजें, बच्चे गेम्स में लग गए, इंटरनेट गेमिंग में लग गए, इन चीजों में मत पड़िए, सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक दिशा की ओर बढ़िए। और आप सबको आज, क्योंकि ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और आज जो थीम है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की, वो है ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, यानी ये असली इन्वेस्टमेंट है स्वास्थ्य के प्रति, दिमागी स्वास्थ्य के प्रति। ग्रेटर एक्सेस, यानी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए साइकेट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की आज आपको आवश्यकता है, तो आप उन तक पहुंच पाए, आप हिचकिचाए नहीं। और फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर, ये इस बार की थीम है कि ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस, एवरीवन एवरीवेयर। सो स्टे यस टू लाइफ एंड रीच आउट एंड डू नॉट हेसिटेट एंड प्लीज एम्पथाइज विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स हू माइट बी सफरिंग। कई बार माँ बाप मनी मन परेशान हो रहे होते हैं, कई बार मियाँ बीवी मनी मन परेशान हो रहे होते हैं, कई बार बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, वो परेशानी प्लीज एक दिन होना चाहिए हफ्ते के अंदर जिसमें मन की बात को खुल के परिवार के आगे रखें। अगर माफी भी मांगनी है तो माफी मांगें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर मन में छोटे छोटे मुटाव मत रखिए। अगर आपके सीनियर्स हैं जॉब की जगह पर, खुल के एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि आपको डर नहीं है, आपने मन की बात करी,
ऐसा एक व्यक्ति जरूर होना चाहिए जिससे आप अपने मन की बात कह सके बिना इस डर के कि वो आपको जज करेगा या आपको तिरस्कृत करेगा या आपका मखौल बनाएगा। और फिर भी यदि परेशानी से ग्रस्त हैं और जैसे लक्षणों की मैंने बात की, अगर कुछ हफ्ते से ज्यादा टिक रहे हैं ऐसे लक्षण, तो समय रहते उसका उपचार होना आवश्यक है। भटकिए मत, बहुत ज्यादा डॉक्टर गूगल मत बनिए, अपने डॉक्टर खुद मत बनिए, उसका उपचार समय रहते कराइए। आज के युग में इन चीजों का उपचार संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और आप सबको शुभकामनाएं। आज बहुत पावन दिन है और मैं कहता हूँ हर दिन मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। वेल, हमारे साथ डॉक्टर समीर मल्होत्रा जुड़े हुए थे जिन्होंने मेंटल हेल्थ को, यानी अपने इस स्ट्रेस भरी लाइफ को किस तरह से स्ट्रेस फ्री रखना है उसकी बड़े सारे टिप्स दिए हैं। बस अगर आपने किसी वजह से वीडियो शुरुआत से नहीं देखा है, हमारे साथ लाइव में पहले से नहीं जुड़े हैं, तो ये वीडियो यहीं पर रहेगा, यानी हेलो स्वास्थ्य के इंस्टाग्राम पेज पर आप फिर से देख सकते हैं। और डॉक्टर समीर मल्होत्रा के द्वारा दिए गए जो टिप्स हैं, मन को पॉजिटिव रखिए, इसे अपनाइए और फिट रहिए। थैंक यू सो मच।